हबू का किचन में आज हम हैदराबादी चिली चिकन बनाएंगे। इस रेसिपी में हमने जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से ये बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनेगी। ये बनाने में बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले पेस्ट रेडी करते हैं। एक मिक्सी जार में 2 मीडियम साइज की प्याज, 8 से 10 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 कप यानी के 50 ग्राम हरा धनिया ऐड करेंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे और इसके स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चिकन मैरिनेट करते हैं। 1 बाउल में 1 किलो चिकन, 1 स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 200 ग्राम दही ऐड करेंगे। प्याज और हरे धनिया की पेस्ट ऐड करेंगे। सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 1 कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल, 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक से दो मिनट फ्राई करने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तीन से पांच मिनट हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद ढककर इसे चिकन कुक होने तक पकाएंगे। याद रखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसी में ही हम चिकन कुक करेंगे। चिकन अच्छे से कुक हो गया है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हैदराबादी चिली चिकन रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।